हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। तो एचडीएफसी बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड इशू करने से बैन हटने के बाद यहाँ एचडीएफसी बैंक जो है अग्रेसिव होकर यहाँ क्रेडिट कार्ड लॉन्च करती ही जा रही है। यहाँ पे एचडीएफसी पेटीएम क्रेडिट कार्ड की यहाँ लाइन लगा दी है, यानी कि पूरे के पूरे 5 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पेटीएम के साथ मिलकर यहाँ लॉन्च कर दिया है। और रिसेंटली यहाँ इक्विटस बैंक के साथ भी यहाँ 2 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यहाँ लॉन्च किया है। तो इस तरह से एचडीएफसी ने यहाँ बैक टू बैक पूरे के पूरे 7 को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यहाँ लॉन्च किया है। तो इस वीडियो हम बात करेंगे एचडीएफसी पेटीएम क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको पता लग जाएगा क्या ये क्रेडिट कार्ड आपको लेना चाहिए नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एचडीएफसी और पेटीएम ने यहाँ कोई ऐसा धमाका नहीं किया कि हम बोल सके कि इस कार्ड में से कोई एक कार्ड तो हमें लेना ही चाहिए या इंस्टेंटली तुरंत हमको इस कार्ड को अप्लाई कर देना चाहिए। तो सभी एचडीएफसी पेटीएम क्रेडिट कार्ड में यहाँ कैशबैक या फीचर्स की यहाँ बात करेंगे तो अप टू 5%, अप टू 3%, अप टू 2%, अनलिमिटेड कैशबैक, इस तरह का आपको एचडीएफसी के वेबसाइट में भी आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे एचडीएफसी पेटीएम क्रेडिट कार्ड यहाँ अलग से यहाँ लिस्ट कर दिया गया है, एचडीएफसी पेटीएम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को। और अगर आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो यहाँ आप जो भी कैशबैक आपको मिलेगा यहाँ आपको पेटीएम गिफ्ट वाउचर के रूप में यहाँ मिलेगा। तो आज के डेट में यहाँ मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से वही कार्ड आपको लेना चाहिए जिसपे कैशबैक जो मिलता है उसी क्रेडिट कार्ड के बिल में यहाँ एडजस्ट हो जाए। यहाँ आपको कोई भी झंझट ना रहे कि आप जो है गिफ्ट वाउचर परचेस करें ऑनलाइन किसी भी ई कॉमर्स की साइट वाला, वहाँ आपको गिफ्ट वाउचर परचेस करना पड़े। बाकी अगर आप पेटीएम मॉल पर ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, रिचार्जेस या बिल पेमेंट्स वगैरह करते हैं, बुकिंग्स वगैरह करते हैं तो चाहे तो आप ले सकते हैं। हमें ये भी देखना है कि पेटीएम एचडीएफसी बैंक का जो भी क्रेडिट कार्ड्स है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स हैं ऑल अदर के ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल अदर के भी आप जो है कितना कैशबैक आपको इस कार्ड में मिल रहा है, ताकि आप पेटीएम को छोड़कर और अदर के जो भी वेबसाइट हैं वहाँ पे जाके ऑनलाइन शॉपिंग या ऑफलाइन शॉपिंग भी यहाँ कर पाते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे तो यहाँ 2 चीज़ें यहाँ देखनी होती है। पहला चीज़ है आपका जो है ये कार्ड का, क्या ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है या फिर कोई एनुअल चार्जेस है। अगर एनुअल चार्जेस है तो आपको कितना स्पेंडिंग करेंगे तो ये एनुअल चार्जेस वेव ऑफ हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखना होता है। दूसरा इसका है रिवार्ड या कैशबैक, यानी कि इस कार्ड पे जो भी रिवार्ड पॉइंट या कैशबैक यहाँ अर्न करते हैं क्या ये अनलिमिटेड है या कहीं कैपिंग रखा गया है। बाकी सारे फीचर्स बेनिफिट्स या फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात करें तो आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड को ले लीजिए, बाकी सारे फीचर यहाँ सेम ही होते हों। चाहे वो फ्यूल सरचार्ज वेवर की यहाँ बात करेंगे, नो कॉस्ट ईएमआई की यहाँ बात करेंगे, इंस्टेंट डिस्काउंट या एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस, तो सारी फैसिलिटीज़ तो दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड में सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा। इस तरह से दूसरे बैंक के क्रेडिट कार्ड और इस क्रेडिट कार्ड में कोई मेजर डिफरेंसेस आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। अब रही बात इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने की, तो सभी को ये फिलहाल जो ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, बहुत ही सिलेक्टेड यहाँ कस्टमर को, यानी कि जो पेटीएम के कस्टमर है उन्हीं को यहाँ पेटीएम के ऐप में ही अप्लाई करने का या प्री बुकिंग करने का ऑप्शन मिला होगा। जिन्होंने प्री बुकिंग का ऑप्शन चुन लिया यानी कि उन्होंने प्री बुक यहाँ ज्वाइन कर लिया होगा, उनको अभी अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। बाकी अगर आप अप्लाई करते हैं, अप्लाई का ऑप्शन मिल चुका है तो ये अप्रूव होना या डिक्लाइन होना, आपका जो भी इनकम क्राइटेरिया है, आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपने कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सारे डिटेल्स जो है उस पर डिपेंड करता है आपका ये क्रेडिट कार्ड जो डिजिटल क्रेडिट कार्ड है अप्रूव होता है या नहीं। आपका यहाँ जो भी पेटीएम एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड है जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं वो अप्रूव होगा या डिक्लाइन होगा। तो आपका क्रेडिट स्कोर 750+ है और आपका इनकम भी अच्छा है तो ये कार्ड आपको आसानी से मिल सकता है। पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड की यहाँ बात करेंगे तो यहाँ एक आपको डिजिटल क्रेडिट कार्ड इस पर आपको देखने को मिलता है। अच्छी बात ये भी है कि अगर आप डिजिटल क्रेडिट कार्ड को 3 महीने तक 6 महीने तक आप अच्छा से इसको यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ अपग्रेडेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आप जो है एचडीएफसी पेटीएम का जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है उसमें भी आप इस कार्ड को अपग्रेड करा सकते हैं। तो अभी इसको कह पाना मुश्किल है कि आपको क्या जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है यानी कि एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड या तो फिर मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड, क्या हमें इसमें अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलेगा या नहीं, तो इसको फिलहाल अभी कह पाना मुश्किल है। ये तो पेटीएम का जो मोबाइल क्रेडिट कार्ड यानी कि डिजिटल क्रेडिट कार्ड है उसको यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा क्या हमें मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के लिए अपग्रेडेशन मिल रहा है या नहीं, या मनी बैक प्लस के लिए हमें अपग्रेडेशन मिल रहा है या नहीं। तो अगर आपको एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिल रहा है या तो फिर मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है तो चाहे तो आप जो है पेटीएम का मोबाइल क्रेडिट कार्ड यानी कि जो कि डिजिटल क्रेडिट कार्ड है इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है आगे चल को आपको जो है अपग्रेडेशन के प्रोसेस में आपको ये दोनों क्रेडिट कार्ड हो सकता है मिल जाए।
बाकी HDFC का कोई भी क्रेडिट कार्ड आपको अभी तक नहीं मिला है तो इनमें से इन पांचों क्रेडिट कार्ड में यानी कि HDFC पेटीएम क्रेडिट कार्ड में से कोई भी एक क्रेडिट कार्ड जो भी मिल रहा है चाहे तो आप ले सकते हैं। बाकी बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मैं वीडियो बना रखा हूँ, उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है HDFC इक्विटास को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट्स करके आप जरूर बता सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।